हेलो दोस्तों, स्वाद लाजवाब में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मटरा की चाट, जो कि बहुत टेस्टी होती है। अक्सर शादियों में आप देखते होंगे कि इस चाट के खोमचे पर बहुत लंबी भीड़ होती है। बिल्कुल वही टेस्ट, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने एक कटोरी मटरा, जिसको मैंने 8 घंटे भिगो लिया था और इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसको कुकर में डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और 1/4 चम्मच नमक, 1 कप पानी डाल देंगे इसके अंदर। मिक्स करके इसे गैस पर रख देंगे। इसमें 3 विसल आ जाए तो 5 मिनट के लिए स्लो कर देंगे गैस को। इतने हमारी मटरा उबल रही है, जो उसका मसाला है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर बारीक कटे हुए, हरा धनिया, चाट मसाला, इमली का पानी, भुना जीरा, गरम मसाला, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक, प्याज और धनिया पुदीने की चटनी। मटरा हमारी उबल चुकी है, यह भी थोड़ी गाढ़ी है लेकिन गल चुकी है। इसमें हम इसको ठीक सा टेक्सचर लाने के लिए इसके अंदर हम पानी डाल देंगे 1 कप। और इसे एक बार उबाल लेंगे ताकि वो पानी अच्छी तरह से मटरा में मिक्स हो जाए। देखिए बिल्कुल अब परफेक्ट हो चुकी है। इसको हम एक बर्तन में खला लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे अब हम चाट मसाला, भुना जीरा, गरम मसाला, अदरक बारीक कटी हुई, 1/2 टमाटर हम अभी डालेंगे, 1/2 हम जब सर्व करेंगे तब देंगे, प्याज ये ऑप्शनल है, मेरे यहाँ कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं इसलिए मैंने वो डाला नहीं है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दो चम्मच इमली का पानी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, हरी चटनी, यदि इमली का पानी नहीं है तो आप नींबू का यूज भी ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्च, सब कुछ डाल दिया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर मसाले का फ्लेवर पूरी मटरा में आ जाए। शुरू में हमने नमक कम डाला था क्योंकि हमने चाट मसाला बाद में भी डाला है, इसलिए नमक का भी ध्यान रखें। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। टमाटर ऊपर से, प्याज का आपको बताया है ऑप्शनल है, अदरक यहाँ मैंने लंबी लंबी काटी हैं, हरी मिर्ची और हरा धनिया, और यदि आप चाहें खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो नींबू भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। लीजिए हमारे बनके तैयार हो चुकी है मटरा की चाट, बिल्कुल शादियों जैसी। आप इसे आप बनाइए और खुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। थैंक यू।